अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए टोमेटो पेस्ट की रेसिपी। जैसे कि आजकल टोमेटो बहुत अच्छे आए हुए हैं और रमज़ान भी आने वाले हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्राई दिस रेसिपी। तो आए चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे टोमेटो। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 kg टोमेटो लिए हैं। इसको कट कर लें मोटा मोटा और जैसे दिल चाहे वैसे कट करके और इसे जो है ग्राइंड कर लिए। अच्छा, ग्राइंडर में बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा क्योंकि टोमेटो 95% पानी होता है। तो इसको ग्राइंडर में डाल लें और ग्राइंड कर लें। तो ये ग्राइंड हो गया हमारे सारे टोमेटो। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे किसी भी स्ट्रेनर में डाल के, या आपके पास चीज़ क्लोथ हो तो उससे भी कर सकते हैं। और इसे स्ट्रेन कर लेंगे सारा अच्छे तरीके से। ये देखिए, नीचे से सारा टोमेटो पेस्ट निकलता जा रहा है और ये हमारे पास बचे खाली इसके पील और सीड्स, ये अलग हो गए और सारा नीचे टोमेटो हमारे पास स्ट्रेन होके बाहर आ गया। इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब इसे हम स्टोव पे रखें और बॉईल कर लेंगे थोड़ा तेज़ आंच पे। अब ये बॉईल आ गया, अब हम इसका चूल्हा बिल्कुल हल्का कर देंगे। हमें इसे सिमर पे पकाना है और बीच बीच में इसमें हमें स्पून चलाते रहना है ताकि नीचे से लग ना जाए, जले नहीं। इसे चेक करते रहेंगे। ये देखिए, गाढ़ा होना शुरू हो गया, उसका कलर भी चेंज होने लगा। अब ये थोड़ा रेड होना शुरू हो गया, वरना ये बिल्कुल लाइट सा कलर था। इसका पानी एवोपरेट होता जा रहा है, हमें इसका सारा पानी एवोपरेट करना है और चमचा चलाते जाना है इसको। और चूल्हा बिल्कुल हल्का रखना है। अप्रॉक्सीमेटली ये 45 मिनट लगेंगे इसमें। और ये देखेंगे किस तरीके से गाढ़ा होता गया और सारा पानी इसका एवोपरेट हो गया है। अब हम इसमें लेमन डाल लेंगे। लेमन प्रिजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे ये काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व हो जाएगा। अगर हम इसे उसमें रखेंगे फ्रिज में तो 15 दिन तक ये एयर टाइट जार में अच्छे से चल जाएगा। इसे मिक्स करके और इसे 5 मिनट मज़ीद हमें सिमर पे रखना होगा ताकि जो लेमन का वाटर है वो भी एवोपरेट हो जाए। मिक्स करते रहना है, इस वक्त किचन बिल्कुल नहीं छोड़ना है ताकि ये जल ना जाए, भले से मरो फिर भी। अब देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया और सारा पानी इसका एवेपरेट हो गया। अब हम स्टोव बंद कर लेंगे और उसके बाद इसे कवर करके और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा इसे निकाल लेंगे और ये बिल्कुल तैयार है। किसी भी एयर टाइट जार में हम इसे रख के फ्रिज में 15 डेज तक रख सकते हैं, या फ्रीज़र में रखना चाहें तो ये अप टू 6 मंथ ये ईज़िली फ्रीज़र में रहेगा। 1 tablespoon ये मैंने ट्रे इसमें रख लिया है, क्यूब की ट्रे में, और इसे मैं इस तरह से फ्रीज़ कर लूँगी। अब ये 1 tablespoon इज़ इक्वल टू 1 tomato। मुझे किसी भी चीज़ में 1 tomato डालना हो तो मैं ये 1 क्यूब डाल दूँगी और ये 1 tomato के बराबर हो जाएगा। बहुत इजी होगा यूज़ करना। और ये फ्रीज़ हो गया है, इसे इस तरह से रख लें। मैंने लास्ट टाइम इसको कंटेनर में रखा था तो वो बहुत मुश्किल हुई थी फ्रीज़ होने के बाद निकालने में, उसे बड़ी मुश्किल से वो निकलता था स्पून से। तो ये इजी है कि आप क्यूब ट्रे में रख लें, किसी भी इसको प्लास्टिक शॉपर में एयर टाइट जो होता है उसमें करके रख लें ईज़िली। ये मैंने कम बनाया, इस तरह से आप 2 किलो 3 किलो भी बना लेंगे तो ये बन के तैयार हो जाएगा। और इसे ज़रूर ट्राई करें, रमज़ान में ये बहुत यूज़फुल होता है। चाहे तो फ्रिज में रखें 15 डेज के लिए और 6 मंथ के लिए आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।